गोविंद का भजन कर। राधा गोविंद भजन कर। राधा गोविंद कौन है? अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य, वो गोविंद हैं, वो जो यशोदा के पुत्र बनकर आए और विश्वभानु नंदिनी किशोरी जी वो हमारी स्वामिनी जो श्री राधा के रूप से रूप में अवतार लेकर आई। तो अरे मन तू राधा गोविंद का भजन कर। दो रूप सुधा निधि दाद दरी, ब्रज में ब्रज की भाषा में उनको भक्त दाद दरी भी कहते। दार यानी श्याम सुंदर और ददी यानी किशोरी जी, तो दोनों रूप के सागर हैं, रूप की अंतिम निमित हैं। विहरें नित मंजुर कुंज गरी, जो नित्य कुंज गरियों में सुंदर सुंदर कुंड गरी में विहार करते हैं, ऐसे राधा गोविंद को देखकर अनंत कोटि कामदेव भी
जर्जित हो जाती है। इतना सुंदर उनका रूप है, इतना सुंदर कि कामदेव भी जर्जित हो जाता है। तो अरे मन, तू ऐसे राधा गोविंद का भजन कर। भज राधे गोविंद भज श्याम रे, भज मन श्री राधे, भज राधे गोविंद भज श्याम रे, भज मन श्री राधे। तो रसिक शिरोमणि प्रेम धनी, तो रसिक शिरोमणि प्रेम धनी, जन रूप सिंगार की जोड़ी बनी, जन रूप सिंगार की जोड़ी बनी, तो रसिक शिरोमणि प्रेम धनी, तो रसिक शिरोमणि प्रेम धनी, जन रूप सिंगार की जोड़ी बनी, जन रूप सिंगार की जोड़ी बनी, रसधार राधे रसधार दोनों दो रसिक शिरोमणि प्रेम धनी, दोनों रसिकों के शिरोमणि हैं और प्रेम में प्रेम के धनी हैं। जनु रूप श्रृंगार की जोड़ी बने, मानो रूप और श्रृंगार की, रूप यानी किशोरी जी, रूप यानी श्याम सुंदर और श्रृंगार यानी किशोरी जी दोनों की जोड़ी बन गई है। ऐसे श्याम सुंदर और किशोरी जी ने ब्रज में रस की धारा बहाई, ऐसी धारा कि जो सदा सदा से चली आ रही है और सदा बह रही है ब्रज धाम में। तो अरे मन, ऐसे राधा गोविंद का तू भजन कर। भज राधे गोविंद घन श्याम रे, भज मन जी।
संकादिक भी जिनका भेद नहीं पा सके, संकादिक परमहंस और कही नेति जू वेदहु गाय थके, वेदों ने जिनके लिए कहा ना इति नेति, मतलब भगवान के लिए उन्होंने कह दिया कि इतना ही है, ऐसा नहीं ये और कुछ भी है, यानी हम भगवान को पूरा पूरा नहीं जान सकते। वेद ने कहा कही नेतु जो वेदहु गाय थके, यानी वेदों ने नेति नेति कहा भगवान के लिए, ते ही गोपी नचामे बिनु दामले, उनको ये ब्रज की गोपियाँ नचा रही हैं अपनी तारियों की ताज पर, माखन के लिए नचा रही हैं, यानी जिनका भेद वेद नहीं प्राप्त कर सकता उनको गोपियाँ नचा रही हैं। ते ही गोपी नचावें बिनु दाम रे, बिना ही दाम के नाच रहे हैं ऐसे राधा गोविंद का, अरे मन तू भजन कर। भजु राधे गोविंद घनश्याम रे, भजु मन श्री राधे, भजु राधे गोविंद घनश्याम रे, भजु मन श्री राधे, यही ध्यान सुरंजन ध्यान धरे, यही ध्यान सुरंजन ध्यान धरे, यही ज्ञान निरंजन मान धरे, यही ज्ञान निरंजन मान धरे, यही ध्यान सुरंजन ध्यान धरे, यही ज्ञान सुरंजन ध्यान धरे, यही ज्ञान निरंजन मान धरे, यही ज्ञान निरंजन मान धरे, जिसका ध्यान बड़े बड़े ध्यानी यानी योगी ध्यान धरते हैं, सुरंधर ध्यान करते हैं, योगियों की अंतिम अवस्था होती है सुरंधर ध्यान, और ज्ञानियों की यही ज्ञानी निरंजन मान ही न रहे, ज्ञानी लोग निरंजन ज्ञान के द्वारा उनका अनुसंधान करते हैं, लेकिन कहीं भी उनका सिर पैर नहीं दिखाई पड़ता, यानी ज्ञानी और योगी उनको ध्याते हैं अपने अपने
ज्ञान के द्वारा, लेकिन उनका दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ ये गोपियाँ उन श्याम सुंदर को अपनी आँखों का अंदर बना देती हैं, यानी अपनी आँखों में बसाए रहती हैं। दिन रात आठों याम उनको आँखों में बसाए हुए हैं सुरमे की तरह। तो ऐसे राधा गोविंद का अरे मन तू भजन कर। भजो राधे गोविंद भज श्याम रे, भजो मन श्री राधे, भजो चकोर दो हैं बने, दोनों चंद्र हैं और दोनों चकोर हैं, मतलब कभी किशोरी जी चंद्रमा के समान हैं। उनकी उपमा दी गई है कि वो चंद्रमा के समान हैं और श्याम सुंदर चकोर हैं, चकोर की भांति वो देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो कभी किशोरी जी चंद्रमा हैं और कभी श्याम सुंदर चकोर हैं, कभी श्याम सुंदर चंद्रमा हैं और किशोरी जी चकोर हैं। बीनू बैनन नैनन बात बने, बिना ही वाणी के, बिना ही वाणी के नैनों ही नैनों में, नैनों ही नैनों में बात करते हैं, दोनों ही बात करते हैं। ऐसे हैं दोनों राधा गोविंद, धनी जोड़ी कृपालु। महाराज जी कहते हैं कि धन्य है उनकी जोड़ी, अत्यंत अभिराम, मतलब अत्यंत ही सुंदर, अत्यंत ही सुंदर जोड़ी है। तो ऐसे राधा गोविंद का अरे मन तू भजन कर। भजो राधे गोविंद